हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, वो सारी चीज़ें आ चुकी है और मैं अब सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ इन सारी चीज़ों को ट्राई करने के लिए। और मैंने जो भी चीज़ें मंगवाई थी वो काफ़ी ज़्यादा मेरे दिल के करीब थी। आई वॉज लाइक, मुझे ना ऐसा कुछ पर्टिकुलर चाहिए जिसे इस अप्रैल में मैं फ्लॉन्ट कर पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ये वीडियो कोलैबोरेशन वीडियो है विद माई हॉल स्टोर के साथ। उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड एक एक करके चीज़ें पहन कर अच्छे से फ्लॉन्ट करके आपको दिखाऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, आई गॉट रेडी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेन्जा साड़ी, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। थोड़ी सी ये महंगी मिली है बट बिलीव मी, मुझे इतनी पसंद आई कि मैं क्या बताऊँ। ऑर्गेन्जा साड़ी है मतलब लाइट वेट तो होती है और आने वाले वेडिंग सीजन के लिए तो परफेक्ट होने वाली। इनफैक्ट मैंने प्लान भी कर लिया है कि मैं वेडिंग सीजन में इसे बहुत अच्छे से एक शादी में तो फ्लॉन्ट करने वाली हूँ। अब डेफिनेटली व्लॉग्स के थ्रू देखोगे ही। वैसे ये जो ब्लाउज है इसका नहीं है, ये लकीली मैचिंग मेरे पास था, पर इसका जो रियल ब्लाउज है वो कुछ ऐसा है, सेम एग्जैक्ट कलर का है, बस ये कॉटन सिल्क में है और ये ऑर्गेन्जा है और इस पर पूरा मिरर वर्क किया गया है और ये फॉइल प्रिंट नहीं है, ये एक्चुअल के मिरर लगाए हैं और मिरर इतने अच्छे हैं कि मैं इस पर कितना भी हाथ घुमा लूँ मुझे वो कट्स वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के मिरर्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। और इसका जो ब्लाउज़ है ना, मैं बहुत जल्द बनवाने के लिए देने वाली हूँ, जो बहुत प्यारा लगने वाला है इस साड़ी के साथ। वैसे ये वाला ब्लाउज़ भी काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ये साड़ी जो है इसमें कलर ऑप्शन जो है भर भर के मिल जाएंगे। अगर आप ब्लैक के फ़ैन हो तो ब्लैक मिल जाएगा, रेड, ग्रीन, मतलब मैं तो पर्सनली ये कलर बहुत पसंद करती हूँ इसलिए मैंने ये लिया, बट अगर आप ये कलर नहीं भी पसंद करते तो ऑप्शंस बहुत है। उसके बाद ये बहुत ही प्यारा सा नेकलेस जो इतना एलिगेंट लगेगा मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, और थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों टर्न हो जाता है बट स्टिल इट लुक्स सो 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 गॉर्जियस। बहुत लाइट वेट है और समर सीजन में देखिए, कोई वेडिंग वगैरह पड़ती है तो आपको वो मन नहीं करता बड़ा सा भारी सा भरकम सा नेकलेस पहनने का, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसके साथ के जो इयररिंग है वो भी बहुत अच्छे मिले, क्वालिटी परफेक्ट मिली है। अब इतनी अच्छी साड़ी है तो इसके साथ जो हम लोग बैग कैरी करने वाले हैं वो भी तो एकदम माइंड ब्लोइंग चाहिए। सो इसलिए मैंने ये बहुत ही प्यारा सा क्लच बैग जो है लिया है, और ये कुछ इस तरह के कलर का है और इसके ऊपर ये जो कुछ ऐसा पैटर्न बना है जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये जो बैग है इसमें आराम से मेरा मोबाइल, लिपस्टिक और कुछ पैसे चले जाते हैं। मैं एक्चुअली बैग खोल रही थी, इस तरह के बैग्स खोलने में थोड़ी मेहनत लगती है। सो मेरा ये 7 Plus है आईफोन और आराम से चला गया, नाइस ना। और यहाँ पर इस तरह से ब्लिंग्स है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसमें एक कलर ऑप्शन मिल जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरी मम्मी के ज़माने के स्टाइल का है ये, क्योंकि मेरी मम्मी के पास भी कुछ ऐसे बैग्स थी। देन ऑर्गेन्जा साड़ी के साथ ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप पेटीकोट ऐसा पहने जो बॉडी हगिंग हो, कम्फर्टेबल हो, क्योंकि ये साड़ी जब आप अंदर की तरफ टक करते हैं तो बहुत ईजीली बाहर निकल भी जाती है, एज वेल एज ये साड़ी थोड़ी फूल जाती है, इसलिए मैंने इसके लिए एक स्पेशल पेटीकोट लिया है जो आजकल बड़ा ही ज़्यादा फैशन में चल रहा है, ट्रेंड में है। सो इसमें ना ऐसा फिश कट आ जाता है बेस्ट पार्ट। फैब्रिक इसका बहुत थिक एंड नाइस है, और अच्छी बात यह है कि इस तरह की साड़ी के साथ इस तरह का पेटीकोट होना तो आपकी बॉडी का एक शेप बहुत प्यारा दिख कर आता है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा सा स्लिम ट्रिम दिखना है तो इस तरह का पेटीकोट होना ही चाहिए, कलर ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं। एंड ये सैंडल एक्चुअली मैंने ब्लू कलर में मंगवाई थी, पर ये मुझे ऐसे ही पीच न्यूट कलर में आई है, बट स्टिल मुझे अच्छी लगी। एंड ये मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ में मिली है। इसके पीछे जो सोल है बहुत अच्छा है, आगे से भी अगर मैं सैंडल दिखाऊँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी में है और मेरा साइज़ परफेक्ट आया, मतलब ना बड़ा ना छोटा, मेरा नंबर है 37, तो परफेक्ट मेरे साइज़ का मिला है।
और कई बार होता है ना कि हील वगैरह पहनने के बाद आपको दर्द होता है, तो इस तरह की जो चप्पलें हैं आप अपने ना बैग में कैरी कर सकते हैं, कार में कैरी कर सकते हैं, एंड जब आपको लगे कि अब आप हील नहीं पहन पाओगे तो बस इन्हें निकाल लो और पहन लो। तो ये चाहे मतलब आपने साड़ी पहनी हो, ड्रेस पहनी हो, सब पर अच्छी दिखती है। ऐसा नहीं है कि साड़ी पर हील ही अच्छा लगता है, नॉल ऐसा कुछ नहीं है। सो ओवरऑल ये सारी शॉपिंग हुई है एज यू नो अमेज़ॉन से, इनकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज की इस हॉल वीडियो से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेनली साड़ी से। साड़ी से कुछ मुझे ज़्यादा प्यार है, और जब साड़ी मेरी मनपसंद इतनी प्यारी मिल गई है तो बस अब मेरा मतलब मन भी नहीं कर रहा है कि मैं इसे उतारूँ। ऐसा लग रहा है कि अभी कोई मुझे बुला ले और मैं जाकर आ जाऊँ और अटेंड कर लूँ इस साड़ी में कोई भी एक इवेंट। बट ठीक है, हम यूट्यूबर्स की लाइफ ऐसी ही होती है। सो चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है माय हॉल स्टोर के साथ। ये था कोलैबोरेशन वीडियो, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे मिल जाएंगी। सो आपके लिए आसानी हो जाएगी शॉपिंग करने में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।